समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में चल रहे पुस्तक मेले में नाथूराम गौडसे की पुस्तक गांधी का वध क्यों प्रदर्शित किए जाने के विरोध में कांग्रेस का गुस्सा आज फूट पड़ा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने पुस्तक मेले के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी करते हुए नाथूराम गौडसे की पुस्तक को प्रदर्शित करने पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन की जमकर अवहेलना की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आजादी में योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज उन्हें संपूर्ण देश राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करता है, लेकिन उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गौडसे की पुस्तक को प्रदर्शित कर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी मानसिकता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि यदि इस पुस्तक की बिक्री बंद नहीं हुई तो कांग्रेस जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा कि यदि वह राष्ट्र का मान नहीं रख सकता है तो फिर नाथूराम गौडसे की जयंती मनाना शुरू कर दे। नाथूराम गौडसे की विश्वविद्यालय में प्रतिमा स्थापित कर दे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तथा शहादत दिवस पर होने वाले अवकाश को रद्द कर नाथूराम गौडसे की जयंती तथा शहादत पर अवकाश शुरू कर दे। वहीं पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन की इस मानसिकता को राष्ट्र विरोधी मानसिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन नई पीढ़ी को क्या बताना चाहता है। उन्होंने तत्काल इस पुस्तक को पुस्तक मेले से हटाए जाने तथा विश्वविद्यालय प्रशासन से माफी मांगे जाने की मांग की है। इस दौरान मुख्य रूप से शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, प्रदेश सचिव मणिराम कुशवाहा सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। झांसी से मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। सैकड़ों की संख्या में हम लोग आए हैं, ये हम कुंभकर्णी नींद में सो रहे बुंदेलखंड प्रशासन को जगाने आए हैं कि बुंदेलखंड के साथ खिलवाड़ बंद करो। आप मैथिली सरण गुप्त का साहित्य पढ़ाओ, अगर बिक्री नहीं रुकती तो क्या करेंगे? रामचरण अय्यर मित्र का पढ़ाइए, प्रेमचंद का पढ़ाइए, बिक्री नहीं रुकती तो क्या करेंगे? हम लोग जनतांत्रिक ढंग से लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें बिक्री रोकना पड़ेगी, नहीं तो उन्हें गौडसे की मूर्ति लगाना चाहिए। गौडसे की मूर्ति के सामने जिस दिन गांधी जी की हत्या में उन्हें फांसी हुई थी उस दिन का दिन उन्हें शहादत के रूप में मनाना चाहिए और गांधी जी के जन्मदिन पर जो 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है बंद कर दें, 30 जनवरी को जो अवकाश होता है हॉर्न बजता है वो बंद कर दें, गौडसे को पूजना शुरू कर दें। टैरो रीडिंग एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी द ओनली लिंक बिटवीन द ब्यूटी ऑफ पास्ट एंड द मिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।